समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन का दबाना ना भूलें। तो हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NPR, जिसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो NPR क्या है, NPR और NRC में क्या फ़र्क है, हम आपको इस वीडियो में कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो NPR के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो NPR ऐसा है, जो लोग इंडिया या भारत में रहते हैं उन सभी को मैंडेटरी रजिस्टर करना है, चाहे वो किसी भी देश का हो या कोई भी फॉरेनर हो या इंडियन हो, सभी को यहाँ पे रजिस्टर कराना इस NPR का मकसद है। और NPR और NRC में क्या फ़र्क है, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो NRC होता है जो कोई इंडियन है उन सभी को ही इंक्लूड किया जाता है, लेकिन NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, जिसमें जो लोग ही इंडिया में रहते या भारत में रहते उन सभी को ही इंक्लूड किया जाता है। यानी लगभग आपको कुछ अंदाज़ा या को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सभी को काउंट करना ही है, उन सभी की गणना सेंसस लेना ही NPR का मकसद है। तो यहाँ पर NPR और NRC में क्या फ़र्क है या NPR क्या है, आपने शायद समझ लिया होगा। तो यहाँ पर आप और कुछ इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करें या आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाए तो आप भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रक में क्या बात सामने आया है, आप इस वीडियो में देखने की भी कोशिश। समझो आयुष्मान है, उज्ज्वला है, आवास है, सौभाग्य है, ऐसे सभी स्कीम के लिए सही पहचान होना, क्योंकि जनसंख्या में भी, जनगणना में भी और पॉपुलेशन रजिस्ट्री में आवश्यक सारे डिटेल्स आते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन है, और इसके कारण वो सभी और सही बेनिफिशियरीज, सभी और सही लाभार्थियों तक ये बेनिफिट्स पहुंचे, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी भी बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मणिपुर, इसमें PDS के लिए, सर्वम के लिए ये जानकारी उपयोग में लाई जा रही है, और राजस्थान में भामाशाह योजना के लिए भी लाई गई। The Union Cabinet also approved the proposal to conduct the Census of India 2021 at a cost of over 8,750 crore rupees. इसमें सभी लोगों की गिनती, ये मुद्दा होता है। इस बार आने वाले यानी 2020 के अप्रैल से सितंबर तक 6 महीने ये काम चलेगा, लाखों लोग इसमें शामिल होंगे, वो घर घर जाएंगे, और फरवरी 2021 में इसमें हेड काउंट भी होता है। इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया आसान बनाई है। हर बार आपको भी अनुभव होगा कि जनगणना का आपके घर में फॉर्म आता है तो वो इतना लंबा होता है कि वो भरने में घंटा डेढ़ घंटा